हो गया है। कितना भी दर्द हो छुट्टी कोई नहीं मानेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल ही पेन होता है, इसलिए प्रकाश करना सीखा करो। सेकेंड एक्सरसाइज में पीछे से पिल्लो को उठाएंगे, एक साइड टच करेंगे, वापिस नीचे जाएंगे, उठेंगे, दूसरी साइड टच करेंगे। देखिए कैसे करना है। ऑनलाइन क्लाइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? पाई मैम, ये देखिए मैम को आपने उठना है और पिलो यहाँ टच करना है। वन, नीचे जाएंगे, आप दूसरी साइड। टू, गॉट इट? ये रहेगा, ये रहेगा आपका, ठीक है। बहुत साइड 15 15 यानी कि 30 करेंगे हम। चलिए टेक पोजीशन। पहले किस साइड टच करेंगे आपके? उधर वाली साइड, ठीक है, इस साइड पे। लिमका पिलाएंगे, जितना पसीना निकाला उतना लिमका पिला दो। एक बोतल तो पसीना ही नहीं निकला होगा। चलो पिल्लो पीछे लेके जाएं। अभी दोनों पैर उठेंगे, दोनों हाथ उठेंगे और पिल्लो को टच करके वापस स्लो नीचे जाएंगे। आपके पेट को बोलो थोड़ी श्रद्धा और रखनी है। अभी चलो 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 चलो, मैंने क्या बोल दिया? 10 मिनट जल्दी भी ले लीजिए आप। देखिए और एक पास वाली दुखी है, एक पास वाली ठीक है। चलो पैर सीधे, हाथ और पैर उठाने हैं, टच करने और दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, सांस खींचते हुए छोड़ते हुए। वन, स्लो, बिल्कुल स्लो। टू, बिल्कुल स्लो नीचे आएंगे, झटके से नहीं आना। थ्री, जितने पैर उठा सकते हैं उठाएं। नाइन,
पलाठी लगा के बैठो, पलाठी लगा के बैठो, बैग स्ट्रेच करा दो। नहीं वो वाला आसन करा दो, सोने वाला करा दो। हाथ कमर पे रखें ऐसे, अंगूठा पीछे हाथ आगे, कमर पे रखें और ये स्ट्रेच करें, ये देना, ये आगे, आगे सिर्फ आपको बैक को खींचना है, ये ठीक है, ये हाथ पे तक ले जाए, ये देखो आगे आएंगे हाथ, खुशी हाथ आगे आएंगे और पीछे जाएंगे, ये ये 20-30 टाइम्स करेंगे सब लोग, ताकि आपकी बैक अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। कैट का पोज करके ना मैट पे, बस वही है, बस इसको बैठ के कर रहे हो आप, इतना ही फर्क है। यहां से इसको स्ट्रेच करो, ये वाले हिस्से को स्ट्रेच करो, ताकि आपके घर जाके बैक में पेन नहीं हो। कौन सा हिस्सा दिखाओ इसमें वीडियो, ये देखो, ये अभी पूरा प्रेशर मेरे स्पाइन पे आ रहा है, यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा प्रेशर पूरा, ये ठीक। चलिए चलिए करिए करिए, 20-30 करने हैं। आती नहीं बोल, मैं देख लो पड़ेगा जी, आज सब न्यू था, थैंक यू सो मच, सब लोग ठीक है, आज बाहर रेलगाड़ी बना लो, एक आप मेरी लगा देना जान खा के, आज तो सुपर सेविंग है ना, ये ले लो, आज तो सुपर सेविंग ऊपर थी क्लास, थैंक यू, आप कोई भी वर्कआउट करा लो पसीना आता ही है, थैंक यू सो मच मैम, डाइट प्लान के लिए रिसेप्शन के नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, फुल स्वेटिंग मैम, डेली यही डाइट फॉलो करना है, हाँ जी, आज नानी याद आ गई, आपको भी आई है क्या नानी याद, मैम नानी नानी इनको तो नाना भी याद आ गया, अभी बताओ चीट करोगे, करेगा क्या मन चीट करने का, अब इतनी हार्ड एक्सरसाइज करके, इतना शरीर दुखा के थका के पसीना निकाल के, अगर अब भी मोमोज खाओगे ना फिर लानत है आप, अब भी मैगी खाई ना, बोल रही हूँ नहीं खाता,
है ना। अब तो सामने प्लेट आए ना तो ये होना चाहिए यार सुबह तो इतनी मेहनत की है, ये दो पीस मेरी सारी मेहनत खराब करता है, मुझे खाना ही नहीं है जो भी हो जाए अपनी ना। तो ये आवाज निकलनी चाहिए खुद से ही निकलनी चाहिए, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस रोड पे ना न्यू मोमोज वाली शॉप खुली है मार्की मोमोज। हां ये देखो इससे ही तो मैं मिल सकती हूं, मैं देख क्या देख सकती हूं मैंने अपनी की कि इससे क्या किया जा सकता है, इससे क्या किया जा सकता है, उसको खाने की चीज है। हां ये भी ना बात मोमोज खाने की चीज है, सही बोल रहे हैं लड़कियों की जान मस्ती है मोमोज में। नहीं मैं नहीं खाती। डेढ़ महीने में ही 4 kg वेट लॉस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। पनीर खा सकते हैं लो फैट की। थैंक यू सोनू जी। ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना। चलिए आज का मैच खत्म करते हैं, पानी पी लीजिए, रेस्ट कर लीजिए अच्छे से। कल छुट्टी मारी तो हिसाब लगा लेना, मैं पहले बता रही हूँ, बैच से निकाल के दूसरे के बैच में डाल दूंगी, ये पहले बता रही हूँ मैं। रोज कुछ नया होता है तो मजा आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनू जी। संजना की डाइट प्लान तो उसमें आ गया है, ग्रुप में आया हुआ है, आपने चेक नहीं किया होगा।